देखिए ये जो अवार्ड है मेरे हाथ में है, सबसे पहले तो मैं कैलाश मासूम जी का बड़ा आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस अवार्ड के लिए योग्य समझा। उन्होंने कहा, मुझे फ़ोन आया कि अन्नू जी आपको ये अवार्ड मिल रहा है, तो मैं बहुत ही खुश हुआ। मनी मन में बताना चाहता हूँ, जैसे मुझे एक बार खुशी हुई थी जब मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था मेरी फिल्म रिफ्यूजी के लिए, वो खुशी मुझे अब हुई। और ख़ास करके 130 जयंती जो है बाबा साहेब अम्बेडकर जी की, ये बहुत बड़ा दिन है। भारत का जो संविधान जो लिखा गया, जिसके निर्माता हैं, वो निर्माता आप जानते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर जी हैं, और मैं बहुत ही मानता हूँ उनको, सारा विश्व। बल्कि आज मैं बताना चाहता हूँ कि अपने देशवासियों को कि ये अवार्ड मिला है, मैं इस पावन अवसर पर, पावन दिन पर ऑनरेबल सेंट्रल मिनिस्टर रामदास अठावले जी ने उनके हाथों से मुझे दिया, मैं बहुत खुश हुआ। मैं रामदास जी का काम देखता आ रहा हूँ, बहुत कमाल का, बहुत बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। और ये जो अवार्ड है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ मिलकर ये अगर कंस्टिट्यूट किया है, और ये बहुत बड़ी बात मेरे लिए इसलिए है क्योंकि कितना बड़ा काम कर रहे हैं मोदी जी और रामदास जी, देश के लिए इतने मेहनत कर रहे हैं, इतने आगे बढ़ा रहे हैं हमारे देश को। और जब उनका नाम लिया गया तो मैं बहुत खुश हो गया। और मंत्री जी ने देशभक्ति गाने बना रहे हैं, आपको मंत्री मिलना ये बहुत बड़ी बात, ये मुझे ये बहुत बड़ी बात रामदास जी के मुंह से निकली, ये बहुत बड़ी बात है। उनको मेरे सब गाने याद हैं, संदेश से आते हैं याद हैं उनको, बॉर्डर के सब गाने याद हैं, रेफ्यूजी के याद हैं, एलओसी कारगिल के याद हैं, खास करके मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन गाना याद है। अचानक रामदास जी ने कहा कि अन्नू जी को ये अवार्ड भारत रत्न तो दिया जा रहा है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अन्नू मलिक को पद्मश्री मिले। ये मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है कि उन्होंने ये सोचा, पहले इतने बड़े केंद्रीय मंत्री के मुँह से सुनना, वो भी कैमरा पर बोलना, बहुत बड़ी बात है। और मैं उनका बिल्कुल आभारी हूँ। और अचानक उन्होंने शायरी मार दी कि तुम हमारे आभारी, तुम्हें पद्मश्री मिले उसकी हमें प्रभारी, तो मैंने बोला आज से हम दोनों की जबरदस्त हो गई यारी। आज आपने जयंती के अवसर पे बाबा साहब अम्बेडकर के लिए गाना बनाने के लिए भी उनको बिल्कुल मैंने आश्वासन दिया है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे स्वर एक ऐसे बोलो पर आए जो पूरी हिस्ट्री एच करें बाबा साहेब अम्बेडकर साहब की, और मैं ज़रूर बनाऊँगा। जय हिंद, जय भारत।